नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करना आज के दौर में आम बात हो गई है, लेकिन ताजा मामला कब्जे का नहीं बल्कि कब्रिस्तान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का है। हाथ में डंडा, साथ में पुलिस का दस्ता लिए यह है पीलीभीत की लेडी सिंगम यानी SDM वंदना त्रिपाठी। SDM साहिबा कब्जे की शिकायत मिलने पर बुलडोजर लेकर कब्रिस्तान पहुंची और कुछ ही देर में कब्रिस्तान की जमीन को खाली करवा दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल कब्रिस्तान की जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा चल रहा था। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अवैध कब्जा कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। ऐसे में एक रोज वंदना त्रिपाठी लाउ लश्कर के साथ मौके पर पहुंची और शुरू कर दी तोड़फोड़। पीलीभीत शहर में गैस चौराहा बिजली घर के पास लाल रोड के किनारे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में करीब 1 एकड़ जमीन है। इस जमीन के आसपास करीब 10 लोगों ने अलग अलग काम धंधे शुरू कर दिए हैं। कुछ ने बजरी के ढेर लगा दिए तो कुछ ने डेयरी का गोबर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये लोग हट नहीं रहे थे बल्कि कब्जा बढ़ाते जा रहे थे। कुछ ने कच्ची झोपड़ी नुमा दुकानें भी खोल ली थी। DM से शिकायत हुई। DM ने SDM से कहा जांच कराओ। SDM ने रेवेन्यू विभाग की टीम बनाकर जांच कराई तो पता चला कागजों में जमीन कब्रिस्तान के नाम पर मिली। SDM वंदना पुलिस और प्रशासन के लोगों को लेकर पहुंच गई। मौके पर खुद वहां मौजूद लोगों को भगाया और कब्रिस्तान की जमीन को समतल कर दिया। SDM ने दावा किया है कि वहां पर लोगों को चेतावनी दे दी गई है, फिर कोई इस जमीन पर कब्जा करेगा तो FIR भी होगी और सख्त कार्रवाई भी। जिस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है वो शहर में ही है, अच्छी खासी कीमत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि करीब 5 करोड़ की कीमत होगी। अभी इस पूरे जमीन के एक हिस्से पर भी कब्जा हो गया तो समझ लीजिए लाखों का माल मुफ्त में मिल गया। और इस जमीन पर लोग 30-40 साल से कब्जा जमा कर बैठे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि कब्जा करने वालों ने यहाँ रेत बजरी रख दी, इसी का धंधा करने लगे। SDM आई तो उसी रेत बजरी का इस्तेमाल करके जमीन को बराबर कर दिया। कोई कार्रवाई हो तो दिलचस्पी लेने वालों की कमी नहीं होती। भीड़ मौके पर पहुंच गई तो SDM खुद डंडा उठाई लोगों को वहां से हटाने के लिए कहती हुई देखी गई। जिन लोगों को इस अवैध कब्जे से शिकायत थी वो बहुत खुश हैं। योगी सरकार में अब काम हुआ है तो तारीफ कर रहे हैं। वैसे सवाल पीलीभीत नगर पालिका से पूछा जाना चाहिए कि भैया बीच शहर कब्रिस्तान की जमीन पर लोग सालों से कब्जा जमाए बैठे हैं और आप हाथ पे हाथ धरे ऐसी अनदेखी और लापरवाही क्यों? अच्छा है अब प्रशासन कह रहा है कि जमीन में 4 दीवारी भी कराई जाएगी। ये खबर तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक सरकारी अधिकारी की खूब तारीफ हो रही है कि उन्होंने आगे बढ़कर ऐसा काम किया है जो बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल हो सकती है। 40 साल से कब्जा नाजायज करे हुए थे। कब्रिस्तान की जगह है बगोट की और मजार की, हटाने रहते हैं, हटा रहे हैं। कई दफा नोटिस दी, बराबर कार्रवाई हुई इसकी। अच्छा, मुख्यमंत्री को भी गए, नगरपालिका भी, DM सबसे भी, इनके पास कई दफ़े नोटिस भी आया और कई दफ़े वार्निंग भी इन्हें दी। 3-4 दिन का टाइम दिया, 8 दिन का, 15 दिन का, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया। आज DM साहब इनकी सिटी मजिस्ट्रेट साहब की उससे हट रहे आज। कितनी जगह होगी यहाँ पे, लगभग कितने बड़े एरिया में जगह है कहाँ? ये तो फिर ये सारे पेपर हमने दे दिए, घाटा संख्या के हिसाब से पेपर दे दिए सब हमने। ये आपका मदीना शाह मोहल्ला है बिजलीगर चौराहे के पास में, जिस नंबर पे आप खड़े हैं ये कब्रिस्तान का नंबर है, जिसका घाटा नंबर 1399 है, लगभग 1 एकड़ का नंबर है और इसकी कुल इस समय बाजारू मालियत तकरीबन 5 करोड़ के आसपास है। इन लोगों को विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं, कल अनाउंसमेंट भी किया गया है और आज कब्जा न हटाने पर ये सारी चीज़ों को अपने आप नगर पालिका अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ मिलते हुए कब्जा मुक्त करा करके प्रशासन अपने कब्जे में लिया। कितना पुराना कब्जा था? कब्जा काफ़ी पुराना था, इनको कई बार चेतावनी जारी की गई थी परंतु चेतावनी के बावजूद इन्होंने खाली नहीं किया था। आज ये संयुक्त टीम के द्वारा पूरा कब्जा खाली किया। ये जांच का विषय है, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने अभी हाल ही में तहसील को ज्वाइन किया है, मेरे संज्ञान में जैसे ही आया वैसे ही मैंने जमीन को खाली किया।